जो खेतों में या फसलों में पानी हमारे द्वारा दिया जाता है, और नेचुरल में जो रेन होती है, वर्षा होती है, वर्षा से आपकी फसलों में पानी अपने आप जाता है। ठीक है, तो आपका दो तरह का होता है, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। तो उसमें क्या होता है, अपनी क्रॉप को पानी देना, समय समय पर पानी देना, और जो आपकी फसलें आपको जो न्यूट्रिएंट मांगती हैं वो उसी में आपकी पूर्ति हो जाती है। तो ये होता है आपका इरिगेशन। ठीक है, अब बात करते हैं आपका क्रॉप पैटर्न के बारे में। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप पैटर्न कुछ भी बोल सकते हैं आप, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, डिफरेंट तरह के क्रॉप पैटर्न होते हैं। जैसे देखिए, मिक्स्ड क्रॉपिंग है। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग आपकी, इंटरक्रॉपिंग, इसमें का इंटरक्रॉपिंग आपका, देखिए इसमें आगे बताएंगे आपको। इंटरक्रॉपिंग होता है आपका क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तीन तरह की होती हैं आपकी ये। तो बात करते हैं पहले मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है। तो देखिए आप समझिए, मिक्स्ड क्रॉपिंग इज अ ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली। मतलब दो एक या दो से या दो, आप समझते हैं, दो से या दो से अधिक क्रॉपों का डेवलप करना इन अ सेम पीस ऑफ लैंड। मतलब एक ही धरती पर, एक ही जमीन पर आप दो या दो से ज्यादा क्रॉप करना। ठीक है, चाहे आप एक या एक से ज्यादा करना, तो क्या आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग। जैसे आपने गेहूं उगाए उसी खेत में, ठीक है, उसी में आपने चने उगा लिए, ठीक है, और उसी में आपने चने और सरसों उगा ली, तो ये क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। चाहे तो मस्टर्ड और ग्राउंडनट, चाहे सनफ्लावर, तो क्या है, एक ही फील्ड में, एक ही लैंड पर, एक ही खेत पर आपने दो से अधिक क्रॉपें करी, तो क्या है आपका वो मिक्स्ड क्रॉपिंग आती है। अब आपकी इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉप, अब देखिए इंटरक्रॉपिंग क्या होता है आपका। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग इज अ ग्रोइंग, इंटरक्रॉपिंग इज अ ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड। लेकिन डेफिनेट पैटर्न, एक डेफिनेट पैटर्न पैटर्न होता है, इसका निश्चित पैटर्न होता है इसके साथ। जैसे आप देखिए, कैसे देखिए, समझिए।